गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड स्टार्ट टू एंड टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सिक्स अ टैंकर ऑफ मिल्क हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ वन थाउजेंड फिफ्टी लीटर एक मिल्क का टैंक है उसकी कैपेसिटी है वन थाउजेंड फिफ्टी लीटर कैपेसिटी मीन्स की उसके अंदर वन थाउजेंड फिफ्टी लीटर मिल्क आ सकता है इट एमपीटीज एट थ्री मिल्क बूथ्स इन द फॉलोइंग वे तीन जगह पे एम्पिटी मीन्स की खाली होता है ये इस तरह खाली होता है फर्स्ट मिल्क बूथ पे वन थाउजेंड सेवेंटी फाइव लीटर्स सेकेंड पे थ्री हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट फाइव लीटर्स एंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव लीटर्स थर्ड मिल्क बूथ पे हाउ मच मिल्क विल बी लेफ्ट इन द टैंकर टैंकर में कितना मिल्क बच जाएगा अब देखो बेटा आपको लेफ्ट से क्लू मिल रहा है कि इसमें माइनस होगा ठीक है लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल मिल्क कितना एमपीटी हुआ तो इट में सबसे पहले हम इन तीनों को प्लस करेंगे और फिर जो हमारे पास टोटल आएगा उसको हम वन थाउजेंड फिफ्टी लीटर में से माइनस करेंगे सो तो बेटा देखो मैंने लिख लिया मिल्क एमपीटीज एट फर्स्ट बूथ एंड देन सेकेंड एंड देन थर्ड तो टोटल तो मिल्क एमपिटी टोटल मिल्क कितना जाता है इन तीनों को मैंने प्लस कर लिया ठीक है प्लस करना सभी को तो आता तो है तो नाओ तो नेक्स्ट टोटल कैपेसिटी ऑफ द मिल्क टैंकर उसमें वन थाउजेंड फिफ्टी लीटर मिल्क आता है तो मिल्क एम्पटीज इन थ्री बूथ्स ये वाला नंबर जो हमारे पास आया अंड लेफ्ट मिल्क इन द टैंकर अब देखो वन थाउजेंड फिफ्टी लीटर और जो डेसिमल के बाद है ये मिली लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ भी मिली लीटर में नंबर नहीं है सो तो इटली इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया जीरो जीरो नाइन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स पॉइंट टू फाइव ठीक है अब आपने इसको माइनस करना है माइनस के सेम स्टेप्स रहेंगे जीरो में से फाइव माइनस होता है नो no. तो आपने यहाँ पे बना लेना है टेन और यहाँ पे नाइन नाइन यहाँ पे फोर टेन माइनस फाइव फाइव नाइन माइनस टू सेवन नाइन माइनस सिक्स थ्री फोर फोर में से सेवन माइनस नहीं होता तो यहाँ पे आप क्या बनाओगे फोर्टीन नाइन और जीरो फोरटीन माइनस सेवन सेवन ओके सो नाओ क्वेश्चन नंबर सेवन द टेबल बिलो शोज द टाइम टेकन बाय फाइव बॉयज ऑफ ए क्लास टू कंप्लीट ए फोर हंड्रेड मीटर रेस नीचे एक टेबल बना हुआ है वहां पे देखो रोहित अमन आदित्य अर्पित एंड राहुल उन्होंने एक फोर हंड्रेड मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया और हर एक बच्चे का टाइम नीचे गिवन है राइट द ऑर्डर इन विच दे रीच द फिनिश लाइन हमने उस ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले फिनिश लाइन पे पहुंचे हैं सो इट मीन्स जिस बच्चे ने सबसे कम टाइम लिया होगा उस बच्चे ने फिनिश लाइन को सबसे पहले क्रॉस किया होगा ठीक है तो हमने सबसे पहले देखो इस बॉक्स में ढूंढना है सबसे कम टाइम कौन से बच्चे का है इन टाइम्स को चेक करिए जरा तो सबसे कम टाइम किसने लिया है अर्पित देन आदित्य पहले अर्पित का नाम आएगा आदित्य। एंड देन and then रोहित एंड देन राहुल और सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया अमन ने फिफ्टी पॉइंट सिक्स तो बस आपने ऐसे इनके नेम लिख देने हैं। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर एट टेम्परेचर ऑफ डेली ऑन फर्स्ट जनवरी वॉज टू डिग्री सेल्सियस दिल्ली का फर्स्ट जनवरी को टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस था सी स्टैंड फॉर सेल्सियस ऑन थर्ड जनवरी इट वॉज फोर पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस मोर देन ऑन फर्स्ट जनवरी और थर्ड जनवरी को ये फोर पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस इस फर्स्ट जन से ज्यादा था ऑन सिक्स जनवरी इट वॉज टू पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस लेस देन व्हाट इट वॉज ऑन थर्ड जन और सिक्स जनवरी को ये टू पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस लेस था ओके okay? पहले मोर देन था और फिर लेस मोर देन का मतलब हम प्लस करेंगे और लेस देन का मतलब हम माइनस करेंगे व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन सिक्स जनवरी सिक्स जनवरी को टेम्परेचर कितना था ठीक है उन्होंने फर्स्ट जन का बता दिया देन थर्ड जन का बता दिया और फाइनली हमसे पूछा है सिक्स जन का सो so, देखो बेटा मैंने फर्स्ट जन का टेम्परेचर लिख लिया टू डिग्री सेल्सियस थर्ड जन का जो टेम्परेचर है वो फोर पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस मोर है सो इट मीन्स मैंने टू में फोर पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस को प्लस करना फोर प्लस टू सिक्स पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस आ गया सिक्स जन का जो टेम्परेचर था वो टू पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस लेस था सो इट मीन्स मैंने इस नंबर में से टू पॉइंट एट को माइनस कर दिया और मेरे पास फाइनल आंसर आ गया ओके okay? क्वेश्चन नंबर नाइन अ पोल ट्वेंटी मीटर लॉन्ग वास पुट इन ए टू मेजर इट्स डेप्थ एक पोल है हमारे पास उसको हमने कहाँ डाला है लेक में लेक के अंदर डाला और उसकी जो लेंथ है पोल की वो ट्वेंटी मीटर है ठीक है इफ़ सिक्स मीटर सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर वाज आउट साइड द वाटर मीन्स कि वो कह रहा है कि अगर जो पोल है वो सिक्स मीटर सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर पानी से बाहर है फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक हमने लेक की डेप्थ फाइंड आउट करनी है डेप्थ मीन्स गहराई की लेक की गहराई कितनी है तो इट मीन्स जितना वो पोल पानी के अंदर है उतनी ही उस ले की डेप्थ है तो हमने क्या करना है जो बाहर उसकी लेंथ है उसको हमने ट्वेंटी मीटर में से माइनस कर देना है ठीक है लेंथ ऑफ द पोल ट्वेंटी मीटर आउटसाइड दिस वन डेप्थ फाइंड आउट करनी है ट्वेंटी में से माइनस कर दिए बट बेटा ट्वेंटी मीटर है सेंटीमीटर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है जीरो ज़ीरो और सिक्स मीटर सिक्सटी फाइव सेंटीमीटर को माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है सो सब्ट्रैक्शन मैं आपके लिए जोड़ रही हूँ ओके okay? क्वेश्चन नंबर टेन सूरज इज़ वन पॉइंट सेवन टू सेंटीमीटर टॉल ये सूरज की लेंथ दी हुई है मीन्स कि उसकी लंबाई वो कितना लंबा है इफ़ लास्ट ईयर ही हैड ग्रोन बाय फाइव सेंटीमीटर अगर वो पिछले साल फाइव सेंटीमीटर वो ग्रो हुआ उसकी है उसकी हाइट बढ़ी है वाट वॉज हिज हाइट द प्रीवियस ईयर पिछले साल उसकी हाइट कितनी थी तो बेटा इसका मतलब पिछले साल उसकी हाइट फाइव सेंटीमीटर बड़ी है तो वो तो इस साल हो गया ना तो इसका मतलब हमने <clears throat> 1.72 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर को माइनस करना है क्योंकि पिछले साल उसकी हाइट कम थी ठीक है सो so, देखो बेटा मैंने लिख लिया हाइट ऑफ सूरज दिस ग्रोन अप लास्ट ईयर लास्ट ईयर वो फाइव सेंटीमीटर ग्रो हुआ हाइट इन प्रीवियस ईयर तो हमने पिछले साल की हाइट बतानी है ठीक है ये तो उसकी ग्रोन हाइट है तो उससे पहले वाली बतानी है सो इट मीन्स 1.72 मीटर में से आपने फाइव सेंटीमीटर को माइनस करना है और बेटा यहां पे पहले हम लिखेंगे मीटर सेंटीमीटर सो जो वन है ये मीटर है सेवेंटी जो है वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है ओके और इधर इसके पास मीटर नहीं है तो यहां पर जीरो फाइव इधर लिखेंगे और फिर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आप सभी को अच्छे से आता है माइनस करना सो ये आपने खुद ट्राई करना है ओके स्टूडेंट्स बाय बेटा टेक केयर